गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा आप लोगों को पता है हमारी क्लास के अंदर अडॉप्टेशन या जिसे अनुकूलन कहते हैं ये टॉपिक चल रहा है। ओके, अनुकूलन आप लोग बच्चों सब जानते हो अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन प्राणियों या हम कहें प्राणियों जंतुओं और पादपों में मिलने वाली वह विशेषताएं होती हैं जो उन्हें उनके पर्टिकुलर जो हैबिटेट है उसमें जीवित रहने योग्य बनाती है। ओके, यह हम कह सकते हैं कि अडॉप्टेशंस जो है वो प्राणियों के अंदर वेरियस टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टर्स होते हैं जो उनको उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करने के लिए योग्य बनाते हैं, एनेबल करते हैं। ओके, देखिए ये जो अनुकूलताएं हैं, अनुकूलन है, वो ये अनुकूलन उस पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर जंतुओं के अंदर वहां पे उन्हें सर्वाइव करने के लिए सक्षम करते हैं। ओके, बेसिकली अनुकूलन जो है वो जंतुओं को दो जो है वो कार्यों के अंदर सहयोग करते हैं। यदि जंतु अपने को पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के साथ सामंजस्य कर लेता है, अनुकूलित हो जाता है, तो उस हैबिटेट के अंदर वो सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस कर सकता है और सक्सेसफुली सर्वाइव कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो विशेषताएं हैं जो कि उन्हें सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस करने में और जो जंतु को सर्वाइव करने के लिए सक्षम बनाती हैं, यही विशेषताएं क्या कहलाती हैं बच्चों? अनुकूलन कहलाती हैं। ओके, यदि हम अनुकूलन के प्रकार देखें, काइंड्स ऑफ अनुकूल एडप्टेशंस की बात करें, तो जैसे पिछली क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अनुकूलन को हमने थ्री प्रकार के अंदर क्लासिफाइड किया है। देयर इज द टाइप्स ऑफ एडप्टेशंस, कौन कौन से एडप्टेशंस थे। यदि हम फर्स्ट एडप्टेशंस की बात करें, दैट इज स्ट्रक्चरल एडप्टेशन। ओके, जिसको हम मॉर्फोलॉजिकल अडॉप्टेशन भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन क्या है? देखिए, आप बदलती हुई जो उनकी पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं, उन बदलती हुई पर्यावरणीय परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जंतुओं के अंदर, प्राणियों के अंदर जो संरचनात्मक स्ट्रक्चरल चेंजेस उत्पन्न होते हैं उन्हें हम स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें, देखिए इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर वेरियस टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, और ये माउथ पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग प्रकार के, किस प्रकार का अनुकूलन है, क्योंकि वेरियस टाइप के जो इंसेक्ट्स हैं उनके वेरियस टाइप के मोड ऑफ फीडिंग होती है, उनके जो फूड मटेरियल्स हैं वो भी वेरियस टाइप के होते हैं, तो अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए इनके अंदर जो माउथ पार्ट्स हैं वो वेरियस टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बर्ड्स की बात करें, तो देखिए अपने भोजन पदार्थ के अकॉर्डिंग जो है वो बर्ड्स के अंदर जो है वो वेरियस टाइप ऑफ बीक्स पाई जाती हैं, वेरियस टाइप ऑफ फिट पाए जाते हैं, वृक्षों को जो है वो पर्च करने के लिए पर्चिंग फिट पाए जाते हैं, या वाटर के अंदर तैरने के लिए उनके अंदर वेब फिट पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चरल चेंजेस जो जंतुओं के अंदर होते हैं बॉडी शेप बॉडी साइज के अकॉर्डिंग, ओके, या वेरियस बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग इनके अंदर जो ये रूपांतरण उत्पन्न होते हैं जिनके फलस्वरूप वो अपने आवास के अंदर जो है वो सक्षम रूप से सर्वाइव करते हैं, वो किसके अंदर आते हैं? स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशंस के अंदर। सेकंड टाइप ऑफ अडॉप्टेशन दैट इज हमारा कौन सा है, जिसको हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन। ओके, फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन या इसको हम बायोकेमिकल अडॉप्टेशंस भी कहते हैं। फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन के अंतर्गत जंतु क्या करते हैं, अपनी जंतु की जो फिजियोलॉजी है या अपने बायोकेमिकल प्रोसेस, ओके, उनके अंदर मॉडिफिकेशंस उत्पन्न होते हैं जिसकी वजह से वो अपने पर्टिकुलर एनवायरमेंट के अंदर सामंजस्य अपने आप को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, तो देखिए बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर जो है अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है, कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किए रखते
रखते हैं। और यदि हम डेजर्ट की बात करें तो देखिए डेजर्ट में मिलने वाले जो जंतु होते हैं उनके अंदर वो अपनी रेस्पिरेटरी जो रेट है उसको रिड्यूस करके रखते हैं और वाटर की लॉस कम हो इसके लिए वो एक कंसंट्रेटेड यूरिक एसिड के रूप में जो है अपना एक्सक्रीटरा निकालते हैं। ओके, कुछ जंतु जो होते हैं अपने आप को शत्रुओं से बचाने के लिए अपने प्रोटेक्शन के लिए वेनम सिक्रीट करते हैं या पॉइजन सिक्रीट करते हैं। प्लांट्स की बात करें तो डेजर्ट के अंदर जो कैक्टाई प्लांट्स होते हैं वो अपने स्टोमेटा को जो है वो ड्यूरिंग डे टाइम जो है वो उनके स्टोमेटा बंद रहते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज जो होती हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस के अंदर। ओके, थर्ड टाइप ऑफ अडेप्टेशंस यदि हम देखें तो वो किस प्रकार का होता है, दैट इज बिहेवियरल अडेप्टेशन। ओके, अब बिहेवियरल अडेप्टेशन, व्हाट इज बिहेवियरल अडेप्टेशन, दैट इज द एबिलिटी टू लर्न एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल सर्कमस्टेंसेस। ओके, अपने एनवायरमेंट की किस प्रकार की परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग जंतु का जो है सीखना और उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करना किसके अंतर्गत आता है, बिहेवियर, कि जंतु का व्यवहार किस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है और उस जो है परिवर्तन के फलस्वरूप वो अपने आप को अपने आवास स्थान पर किस प्रकार से समायोजित करता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें, और इस प्रकार का जो अडेप्टेशन होता है वो बेसिकली फूड के लिए या अपने मेट के लिए या अपन जंतुओं के अंदर मेटिंग बिहेवियर देखते हैं वो भी एक प्रकार का बिहेवियरल अडेप्टेशन है। इसके अलावा डेजर्ट एनिमल्स जो कि डे टाइम के अंदर जो है वो बिलों के अंदर घुसे रहते हैं, नाइट के टाइम बाहर निकलते हैं, या जंतु जो है अपने शत्रु को देखकर जो है वो बिल में चला जाता है। ओके, तो ये इस प्रकार के जो ये अनुकूलन है, मॉडिफिकेशंस है, ये बिहेवियरल अडेप्टेशंस के अंतर्गत आते हैं। ओके, देखिए अडेप्टेशंस जो है वो प्राणियों के हैबिटेट के अकॉर्डिंग भी होते हैं कि किस पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर वो जंतु रह रहा है और उस पर्टिकुलर हैबिटेट की जो परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को किस प्रकार से सामंजस्य करता है। तो हैबिटेट के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो अडेप्टेशंस जो है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेजर्ट अडेप्टेशन जो कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाले जीवों में देखा जाता है, एक्वेटिक अडेप्टेशंस जो कि जलीय जंतु जो हमारे फ्रेश वाटर या हमारे जो सी वाटर के अंदर रहते हैं उनके अंदर पाए जाने वाले अडेप्टेशंस, और जो जो जंतु आर्बोरियल्स होते हैं लाइक हम बात करें एरियल अडेप्टेशंस की, दैट इज अडेप्टेशन टू फ्लाई इन एयर, के एयर के अंदर वो किस प्रकार से जो है वो आसानी से फ्लाई करते हैं तो उनमें क्या अनुकूलन पाए जाते हैं। ओके, तो ये कुछ वेरियस टाइप ऑफ अडेप्टेशंस है जिसके अंदर आज हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं हमारा डेजर्ट अडेप्टेशंस। ओके, डेजर्ट जैसे पिछली कक्षाओं के अंदर मैंने बताया है, डेजर्ट इस प्रकार का इकोसिस्टम होता है जहां पे इंटेंस सोलर रेडिएशन हमें मिलती है, लैशिंग विंड्स यहाँ मिलती है एंड मॉइस्चर जो होता है वेरी लिटिल मॉइस्चर यहाँ पाया जाता है। ओके, और ऐसा इकोसिस्टम जहां पर लेस देन 10 इंचेस और हम कह सकते हैं लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल पर ईयर होती हो, ऐसे एरियाज क्या बनाते हैं, इस प्रकार के एरियाज बायोस्फीयर के अंदर डेजर्ट कहलाते हैं। ओके, और जहां पे वेरी ड्राई एंड लेस मॉइस्चर जो हमारे एरियाज होते हैं वो बेसिकली हॉट डेजर्ट कहलाते हैं। ओके, इन हॉट डेजर्ट इकोसिस्टम जनरली विद क्लाउडलेस स्काई होता है एंड सन क्विकली हिट द डेजर्ट बाय डे, डे टाइम के अंदर जो होता है सनलाइट बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से क्या होता है गर्मी बढ़ जाती है उस जगह पे एंड प्रोड्यूसिंग द हाईएस्ट एयर टेम्परेचर, और टेम्परेचर जो है बहुत हाई रहता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट की वजह से जो है वो हीट बढ़ जाती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। रिकॉर्डेड किया गया है टेम्परेचर कहाँ पे, इन डेथ वैली कैलिफोर्निया, इस डेजर्ट के अंदर जो है लगभग 57.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो, इतना हाई डिग्री टेम्परेचर जो है डेजर्ट एनवायरमेंट के अंदर देखने को मिलता है। देखिए ड्यूरिंग डे टाइम जो होता है टेम्परेचर बहुत हाई होता है क्योंकि सन रेज जो है सन की रेडिएशन डायरेक्ट जो है वो इस प्रकार के इकोसिस्टम के अंदर पड़ती है या हैबिटेट के अंदर पड़ती है।
और यदि हम बात करें तो एंड विट्स जो है दैट इज विट्स एक्सेलरेट वाटर इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट्स। ऐसे डेजर्ट एरिया के अंदर जो मिलने वाले प्लांट्स हैं वहां पे तेज धूल भरी आंधियां भी चलती है और ये आंधियां क्या करती है बच्चों, ये आंधियां वाटर इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन जो पात्रों के द्वारा होता है उसको बढ़ाती है, जिसकी वजह से वहां पे मॉइस्चर की और ज्यादा कमी हो जाती है। ओके, तो द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स यदि हम देखें डेजर्ट की तो दैट इज हाई इवोट्रांसपिरेशन एंड लो रेनफॉल। ओके, ये दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जहां पे रेनफॉल बहुत कम लेस देन 10 इंचेस और इवोट्रांसपिरेशन जो है वो बहुत हाई होता है, ऐसे एरिया डेजर्ट इकोसिस्टम कहलाते हैं। ओके, यहाँ पे डे टाइम के अंदर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, लेकिन यदि हम कंपेयर करें नाइट्स के अंदर तो नाइट के अंदर क्या है टेम्परेचर कम हो जाता है। यहाँ की सर्दियाँ जो नाइट होती है वहां पे टेम्परेचर कम होता है जो है वो किसकी वजह से, क्यों, द टेम्परेचर गोज डाउन ट्रिमेंडसली ड्यू टू लॉस ऑफ हीट इन टू द एटमोसफियर, जो अर्थ का सर्फेस है वहां से वातावरण के अंदर जो है हीट वापस जाने से कब ड्यूरिंग नाइट वहां पे क्या हो जाता है टेम्परेचर कम हो जाता है, कोल्ड की स्थिति बन जाती है। ओके, सॉइल की बात करें तो ऐसे एरिड जोन के अंदर सॉइल किस प्रकार की होती है, लाइट टेक्सचर सॉइल पाई जाती है बच्चों, इस प्रकार के हैबिटेट के अंदर लाइट टेक्सचर सॉइल पाई जाती है एंड डिवर्ड ऑफ एनी सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं होता है इनके अंदर सॉइल के अंदर एंड इस प्रकार की लाइट टेक्सचर जिसको हम बालू रेत भी कहते हैं, ऐसी रेत के अंदर जो हमारा विंड इरोजन है वो बहुत ज्यादा होता है और इसी विंड इरोजन के फलस्वरूप क्या होता है सैंड ड्यून्स, जैसे हम रेगिस्तान के अंदर देखते हैं सैंड ड्यून्स का निर्माण होता है एंड क्योंकि लाइट टेक्सचर वाली सॉइल होती है तो इनकी जो वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी है जो वो किस प्रकार की होती है कम होती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी विथ हाई इन्फिल्ट्रेशन रेट होती है एंड लो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इस प्रकार की सॉइल के अंदर पाई जाती है। डेजर्ट सॉइल है उसके अंदर वाटर जो है वो रिटेन नहीं होता है, सॉक नहीं किया जाता है एंड ये रशेस हो जाता है, इन टॉरेंट्स के रूप में रश ऑफ हो जाता है। ओके, मॉइस्चर बहुत लेस मॉइस्चर पाई जाती है इस प्रकार के हैबिटेट के अंदर, तो इस प्रकार की हार्श लिविंग कंडीशंस, देखिए वेरी हाई टेम्परेचर, ड्राई कंडीशंस, लेस मॉइस्चर, ओके ये जो सब कंडीशंस हैं, पर्टिकुलर लो रेनफॉल लेस देन 10 इंच रेनफॉल, ये सारी कंडीशन जो है रेगिस्तान के अंदर बहुत ही हार्श लिविंग कंडीशंस उत्पन्न करती हैं। लेकिन ऐसी हार्श लिविंग कंडीशंस के अंदर भी डेजर्ट इकोसिस्टम एग्जिबिट ए स्पेक्टेक्युलर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज इन द डेजर्ट ड्यू टू देयर मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल अडॉप्टेशन जो अभी हमने डिस्कस किया था। वैरायटी ऑफ जो है वो स्पीशीज यहाँ पे मिलती है जिनके अंदर कुछ संरचनात्मक क्रियात्मक और व्यवहारात्मक जो है रूपांतरण होते हैं, जिसके फलस्वरूप ये स्पीशीज जो है वो वहां पर सर्वाइव करने के लिए अपने आप को सक्षम बनाती हैं, उसी के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ओके, अडॉप्टेशन हमने पढ़ लिया है। ओके, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि जंतु जो है प्राणी उस पर्टिकुलर इस प्रकार के डेजर्ट हैबिटेट के अंदर अपने आप को किस प्रकार से अनुकूलित करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले जो इस प्रकार के डेजर्ट हैबिटेट के अंदर किस चीज का जो है वो मेन जो है प्रभाव होता है वो होता है एक्सट्रीम हीट, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा हीट ज्यादा है तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जंतु को उस टेम्परेचर अत्यधिक तापमान और जो है अत्यधिक जो गर्मी है उससे अपने आप को बचाव करना पड़ता है। ओके, तो उसके लिए जंतुओं के अंदर किस प्रकार की अनुकूलताएं पाई जाती हैं वो हम पढ़ेंगे। देखिए
वन ऑफ द बिगेस्ट वाटर रिटेंशन एडेप्टेशन डेजर्ट एनिमल्स हैव इज सिंपली टू अवॉइड द सन एंड एक्सट्रीम हीट. दे सर्वाइवेट एरिडिटी एंड हीट थ्रू मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन और बाय मॉडिफाइंग देयर फीडिंग एंड एक्टिविटी पैटर्न. अपनी फीडिंग जो है बिहेवियर को, अपनी एक्टिविटीज पैटर्न्स को चेंज करके, अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को चेंज करके, अपने मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को चेंज करके, इस प्रकार के जंतु जो होते हैं वो हीट और जो टेम्परेचर है उसको अवॉइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि एनिमल्स जो होते हैं, दे रिमेन इन कूल ह्यूमिड अंडरग्राउंड बरोज ड्यूरिंग द डे टाइम एंड सर्च फॉर फूड ओनली एट नाइट व्हेन टेम्परेचर आर लोअर. इस प्रकार के जंतु क्या करते हैं, देखिए दिन के समय क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे टाइम पे वो बिलो में घुसे रहते हैं, और जब नाइट के टाइम पर जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो ऐसे टाइम पे वो अपने फूड की सर्च के अंदर अपने बिलो से बाहर निकलते हैं. ओके, कुछ रोडेंट्स होते हैं, सम रोडेंट्स ऑफ डेजर्ट इकोसिस्टम दैट आर एक्टिव इन द डे पीरियोडिकली सिक बरो एंड पैसिवली लूज हीट थ्रू कंडक्शन बाय प्रेसिंग देयर बॉडीज अगेंस्ट द बरो वॉल. ड्यूरिंग डे टाइम जो है वो बिलो में रहते हैं और जो बिलो की वॉल होती है उसके साथ अपनी बॉडी को रगड़ के क्या करते हैं, अपनी जो बॉडी की हीट है उसको लूज करने का कार्य कुछ रोडेंट्स के द्वारा किया जाता है. ओके, इस प्रकार से ये अपनी जो है वो हीट को लॉस होती है इनके अंदर. कुछ अन्य इस प्रकार के लाइक रैटल स्नैक की बात करें बच्चों, तो रैटल स्नैक जो है क्रेपस्कुलर होता है, एक्टिव होता है द डॉन एंड डस्क, जो शाम का टाइम होता है उस टाइम पे ये जो है वो एक्टिव बनता है. और क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो अपने एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे रैटल स्नेक जो है वो एक्टिव होता है. और इसके बाद हम बात करें दोज दैट प्रीफर द डे. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग द डे भी एक्टिव रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम देखें दैट इज कैक्टस रैट दैट स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन द शेड ऑफ कैक्टस. ड्यूरिंग डे टाइम जो कैक्टाई जो हमारे डेजर्ट प्लांट्स हैं उनकी छाया के अंदर ये कैक्टस रैट जो है वो अपना बैठे हुए रहते हैं या वहां पे छिपे रहते हैं. मैमल्स की बात करें लाइक मूस डियर एक अवॉइड द एक्सट्रीम टेम्परेचर ऑफ द डे बाय लिमिटिंग एक्टिविटी आवर्स टू डॉन एंड डस्क. ये कुछ मैमल्स हैं जो कि जो जब ज्यादा गर्मी होती है दिन के समय तब अपनी एक्टिविटीज को जो है वो कम कर देते हैं, सुस्त अवस्था में रेस्ट की अवस्था में रहते हैं, और जब सांझ का टाइम होता है शाम का टाइम होता है तो ये मैमल्स जो है वो एक्टिव होते हैं. ओके, The drop invader animals adopt either a short annual life cycle that revolves around the scanty rains or undergo estivation. देखिए कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ड्राफ्ट की कंडीशन, सूखे की जो कंडीशंस होती हैं, गर्मी की कंडीशंस जो होती हैं उससे बचने के लिए क्या करते हैं, उनके जो लाइफ स्पान है वो बहुत शॉर्ट होता है. शॉर्ट एनुअल लाइफ स्पान होता है जो कि वर्षा काल तक जो जब हमारा रेनी सीजन होता है तभी वो कंप्लीट हो जाता है. ओके, या फिर कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एस्टिवेशन दर्शाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम ग्राउंड स्पिरल की बात करें तो उसके अंदर एस्टिवेशन होता है. गर्मी के दिनों के अंदर क्या होते हैं, ये अपने जो है वो अंडरग्राउंड के हम कहें कि बिलो के अंदर अपने आप को सुप्त अवस्था के अंदर रख लेते हैं. ओके, एस्टिवेशन प्रोसेस जब के दौरान क्या होता है, इनके अंदर इनकी ब्रीदिंग, हार्ट बीट और अदर जो बॉडी एक्टिविटीज होती है बच्चों वो बहुत धीमे हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है इन्हें जो है, क्योंकि बॉडी की एक्टिविटीज जो है वो बहुत कम हो गई है, रिड्यूस्ड हो गई है, तो इन्हें कम अमाउंट ऑफ वाटर की आवश्यकता इसके दौरान पड़ती है. ओके, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि एग लेइंग करते हैं और इनके जो एग्स होते हैं वो जो अगला रेनी सीजन होता है तब तक सरवाइव करते हैं. डॉर्मेंट कंडीशंस के अंदर जो है वो पड़े रहते हैं, सुप्त अवस्था के अंदर रहते हैं, और अगला जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं इन रेनी सीजन के अंदर
तब ये क्या करते हैं, डेवलप होते हैं, हैचेस होते हैं। ओके, आप लोगों ने देखा होगा जब रेनी सीजन होता है तो हमें ग्रॉस हॉपर, बटरफ्लाइज, बीज, बीटल्स, स्पाइडर्स और अन्य जो इंसेक्ट्स होते हैं वो डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर अधिकांश संख्या के अंदर देखने को मिलते हैं। उसका रीजन यही होता है क्योंकि इससे पहले इनके जो एग्स होते हैं वो डॉर्मेंट जो है वो अवस्था के अंदर, सुसुप्त अवस्था के अंदर रहते हैं और जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है ये डेवलप हो जाते हैं। एम्फीबियंस की बात करें लाइक स्पैट फूड टोड, ओके, स्पैट फूड टोड क्या करता है, ये अपने स्पैट लाइक के अंदर फिट पाए जाते हैं बच्चों, जिसकी हेल्प से क्या बनाता है, ये बिल बनाता है। ओके, एंड जब तक रेन नहीं होती, रेनी सीजन नहीं आता, ये अपने इन बिलों के अंदर जो है वो रहता है, सुप्त अवस्था के अंदर रहता है। एंड इट कैन अंडरगो एस्टिवेशन फॉर 8 to 10 months तक इस प्रकार की अवस्था के अंदर रहता है, जिसको हम एस्टिवेशन कहते हैं। ओके, एंड बर्ड्स की बात करें तो द बर्ड्स मेक नेस्ट एंड रिप्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन देयर इज अबंडेंट फूड, जब फूड की पर्याप्त मात्रा होती है रेनी सीजन के अंदर, तभी बर्ड्स जो है वो घोंसले बनाती है और उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है इन डेजर्ट इकोसिस्टम। ओके, देखिए कुछ ड्राफ्ट रेजिस्टेंस एनिमल्स भी होते हैं बच्चों, जो कि अपना थ्रू आउट द ईयर जो है वो अपने लाइफ को जो है आराम से व्यतीत करते हैं, एक्टिव रहते हैं और जो अपनी बॉडी के सारे फंक्शंस जो है वो नॉर्मली करते हैं। इस प्रकार की जो एनिमल्स होते हैं उन्हें ड्राफ्ट रेजिस्टिंग एनिमल्स कहा जाता है। ओके, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं क्योंकि पानी की कमी है डेजर्ट एरिया के अंदर, तो ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि पानी को ज्यादा मात्रा में यूज नहीं लेते हैं। ओके, हम बात करें, मैनी डेजर्ट एनिमल्स हैव बिकम सो गुड एट वाटर रिटेंशन दैट दे गेट ऑल द वाटर दे नीड फ्रॉम देयर फूड एंड नेवर हैव टू ड्रिंक। अब ये पानी जो है उसकी चूंकि कमी है तो कम मात्रा के अंदर पानी किस प्रकार से लेते हैं, देखिए कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जो कि जो फूड वो ग्रैंड करते हैं बच्चों, उसके द्वारा ही जो है वो उन्हें पानी की प्राप्ति हो जाती है, जल की प्राप्ति हो जाती है। और हम बात करें डेजर्ट जो एरियाज है उनके अंदर मिलने वाले जो हेयर है खरा है वो क्या करते हैं, सैक्यूलेंट प्लांट्स को पर फीड करता है, और सैक्यूलेंट प्लांट्स जो होता है उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में पानी होता है, जिसकी वजह से उसकी पानी की आवश्यकता पूरी हो जाती है। ओके, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं मोलस्क जो लिजार्ड है, इसकी स्क्रीन किस प्रकार की होती है, इसकी हाइग्रोस्कोपिक स्क्रीन पाई जाती है बच्चों इसकी, तो ये इसकी जो स्क्रीन है वो इसके हैबिटेट के अंदर जो वाटर मिलता है उसको एज ए ब्लॉटिंग पेपर जो है उसको सोख कर लेती है, तो इस प्रकार की जो है वो अपने पानी जो है वो अपने हैबिटेट से ग्रहण कर लेती है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि पानी को नहीं पीते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ डेजर्ट इकोसिस्टम लाइक कैंगरू रैट्स, ओके, कैंगरू रैट्स की बात करें, देखिए कैंगरू रैट जो है, कैंगरू रैट, पॉकेट माउस एंड जरबॉ, ये क्या होते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, नॉक्टर्नल जो होते हैं, ये नॉक्टर्नल का मतलब ये वही रात्रि के समय सक्रिय होते हैं, दिन के समय ये छिपे हुए रहते हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ती है, एंड ये क्या करते हैं, दे सील देयर बरोस बाय डे टू कीप देयर चैम्बर मॉइस्ट एंड कैन लिव थ्रू आउट ईयर विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। ये जो है इनके अपने इनका जो बरो होता है उसको एक प्रकार से सील कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका जो चैम्बर है बरो का वहां पे नमी जो है वो रहती है सील करने के बाद, और ऐसे बरो के अंदर ये बिना पानी पिए लगभग पूरे साल जो है अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा कैंगरू रैट्स एंड पॉकेट माउस भी क्या करते हैं, दे फीड ऑन ड्राई सीड्स और ड्राई प्लांट्स, जो ड्राई सीड्स और ड्राई प्लांट्स होते हैं उन पर ये फीड करते हैं। ओके, एंड जैसा कि मैंने बताया जो डेजर्ट हेयर है वो किस पे करता है, सैक्यूलेंट प्लांट्स पे, ये जो कैंगरू रैट्स है ये ड्राई सीड ड्राई प्लांट्स पे जो है वो
फीड करते हैं। यदि इन्हें सेक्युलर प्लांट्स अवेलेबल होता है तो भी ये ड्राई सीड या ड्राई प्लांट्स को ही अपने काम में लेते हैं। दे रिमेन इन बर्रोज ड्यूरिंग द डे एंड कंजर्व वाटर बाय एक्सक्रीटिंग वेरी कंसंट्रेटेड यूरिन एंड बाय हाइग्रोस्कोपिक वाटर इन देयर फूड। ओके, बहुत अधिक कंसंट्रेटेड यूरिन जो है इनके द्वारा पास आउट किया जाता है, जिसकी वजह से कम जल की हानि जो है वो जंतु के द्वारा होती है। ओके, और बात करें हम फॉर एग्जांपल वुड रैट्स की, तो देखिए वुड रैट सर्वाइव इन पार्ट्स ऑफ द डेजर्ट बाय ईटिंग ड्राई फूड एज वेल एज सैक्युलेंट कैक्टाई और अदर प्लांट्स दैट स्टोर वाटर। वुड रैट जो है वो दोनों ही प्रकार के ड्राई सीड्स और ड्राई फूड एंड सैक्युलेंट जो कैक्टाइज होते हैं उनके ऊपर फीड करता है। कैक्टस माइस जो होते हैं ये क्या ईट करते हैं बच्चों, दे ईट फ्रूट एंड इंसेक्ट्स फॉर वाटर एंड हैव अ सिमिलर वाटर रिटेंशन सिस्टम। व्हाइल इल्फ बॉल है एंड काइट फॉक्सेस दीज गेट ऑल द वाटर दे नीड फ्रॉम देयर प्रे। ये कुछ शिकारी जो है जंतु होते हैं जो कि अपना जो अपना जो शिकार होता है, अपना जो प्रे होता है, इसकी बॉडी में उपस्थित जो है वाटर, उसका जो मीट खाते हैं उसमें उपस्थित जो वाटर होता है उससे अपने वाटर की आवश्यकता पूरी करते हैं। ओके, अब इस प्रकार के डेजर्ट जो हैबिटेट के अंदर रहने वाले जो जंतु हैं उन्हें अपनी बॉडी से भी वाटर लॉस को रोकना होता है, वाटर को कंजर्व करके रखना पड़ता है। उसके लिए इनमें क्या क्या अनुकूलताएं पाई जाती है वो अभी हम पढ़ लेते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेप्टाइल्स की और कुछ इंसेक्ट्स की। तो द रेप्टाइल्स एंड सम इंसेक्ट्स आर प्री अडेप्टेड टू द हॉट डेजर्ट इकोसिस्टम। इस प्रकार से दे एक्सक्रीट अ ड्राई मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड एंड ग्वानिन सो दैट वाटर लॉस इज मिनिमल। ओके, रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ये क्या करते हैं, हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के रूप में सॉलिड फॉर्म के रूप के अंदर जो है वो एक्सक्रीटर अपना पास आउट करते हैं और इस प्रकार से जो है ये अपनी बॉडी से जल की हानि को रोकते हैं। और इनके अंदर क्या पाई जाती है, थिक वाटर प्रूफ स्क्रीन पाई जाती है बच्चों। एनिमल्स के अंदर वाटर प्रूफ स्क्रीन पाई जाती है जो कि वाटर लॉस को कम करती है। रेप्टाइल्स लाइक इन टेक्सास हॉर्न लिजर्ड, इनके अंदर क्या पाई जाती है, इनके अंदर बहुत ही टफ और थिक स्किन पाई जाती है जिसकी वजह से स्किन के थ्रू वाटर लॉस इनके अंदर नहीं होता है। हम रेप्टाइल्स की बात करें तो देखिए बच्चों रेप्टाइल्स है, इंसेक्ट्स है, रेप्टाइल्स के क्या होता है पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो एक्टोडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं, है ना। और इसी प्रकार इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके ऊपर काइटिनस क्यूटिकल का बना एक्सोस्केलेटन पाया जाता है और ये जो हार्ड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बॉडी से वाटर लॉस को कम जो है वो करते हैं, वाटर की हानि कम होती है इस प्रकार के प्रोटेक्टिव कवरिंग के द्वारा। ओके, देखिए कुछ डेजर्ट स्पाइडर्स माइट्स एंड इंसेक्ट्स क्या होते हैं, अपने इंटेग्यूमेंट जो है उसके ऊपर एक वैक्स लेयर जो है इनके अंदर पाई जाती है। ये सीक्रेट करते हैं वैक्सी लेयर ओवर देयर क्यूटिकल, क्यूटिकल के ऊपर एक वैक्सी लेयर पाई जाती है। वैक्स चूंकि क्या है वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है जिसकी वजह से क्या होता है उनके बॉडी से वाटर का जो लॉस है उसको रोकने का कार्य करते हैं। ओके, डेजर्ट जो मैमल्स होते हैं बच्चों उनके अंदर पाए जाने वाली उनके अंदर जो स्वीट ग्लैंड्स होती है वो कम मात्रा के अंदर पाई जाती है, लेस होती है, रिड्यूस्ड होती है ये स्वीट ग्लैंड्स जिसकी वजह से कम वाटर की हानि इनके द्वारा होती है। ओके, एंड हम बात करें डेजर्ट टोड की तो द डेजर्ट टोड यूजेस ए सर्वाइवल स्ट्रेटजी सिमिलर टू दैट एम्प्लॉयड बाय सैक्युलेंट प्लांट, जो सैक्युलेंट प्लांट्स के द्वारा की जाती है उसी प्रकार की जो है डेजर्ट टोड भी अपनी अनुकूलताएं दिखाते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपने यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वाटर को स्टोर करके रखते हैं। ओके, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है वो वाटर को स्टोर करके रखते हैं फॉर डेजर्ट टोड। ओके,
यूजुअल प्लेसेस। देखिए जल की कमी है और जल को स्टोर करके भी रखना है अपनी बॉडी के अंदर, तो जो डेजर्ट एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो अधिकतर वसा युक्त भोजन का जो है वो ग्रहण करते हैं, क्योंकि वसा जो होती है बच्चों उसके ऑक्सीडेशन से जल की प्राप्ति होती है, इसलिए अधिक वसा वाला जो भोजन ये है इनके द्वारा ग्रहण किया जाता है। और चूंकि वसा के द्वारा फैट के द्वारा जो है वाटर गेन होता है, इस वजह से डेजर्ट एनिमल्स जो है वो अपनी बॉडी के अंदर फैट को स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम हमारा जो डेजर्ट एनिमल है दैट इज कैमिल, कैमिल को यदि हम देखें तो देखिए कैमिल जो है डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर कैन ग्रो फॉर लॉन्ग पीरियड्स विदाउट वाटर, बिना पानी के काफी टाइम तक रह सकता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो बॉडी टिश्यूज कैन टॉलरेट एलिवेशन इन बॉडी टेम्परेचर एंड ए डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन। इनका जो बॉडी के टिश्यू है वो हाई बॉडी टेम्परेचर के एलिवेशन और डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करने में सक्षम होती है। एंड इट यूजेस वाटर फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। ओके, बॉडी टेम्परेचर ऑफ कैमिल्स ड्रॉप्स टू 33.8 डिग्री सेंटीग्रेड ओवरनाइट एंड राइजिंग टू 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड बाय डे व्हेन द एनिमल बिगिंस टू स्वीट। देखिए ये जो है वो टेम्परेचर रेगुलेशन का कार्य भी जो है अपने अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का कार्य भी इनके द्वारा किया जा सकता है। यदि हम देखें नाइट के दौरान इनका टेम्परेचर जो है वो 33.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और वही टेम्परेचर बॉडी का जो है ड्यूरिंग डे 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। एंड इसी टाइम पे जो है कि स्वेटिंग के द्वारा टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जाता है। कैमिल देखिए वाटर को स्टोर करके अपने हम्प के अंदर, जैसा पढ़ते हैं ना कि वाटर को अपने हम्प के अंदर स्टोर करके रखते हैं, तो ये अपने हम्प के अंदर वाटर स्टोर करके नहीं रखते हैं बच्चों, बल्कि इनकी जो हम्प है वहां पर फैट स्टोर करके रखा जाता है। जो कि फैट क्या करता है, विच यील्ड्स वाटर, जो वाटर देता है आफ्टर इट्स मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन। मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप फैट से क्या रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, और इस प्रकार जंतु को जो है वो वाटर की प्राप्ति अपने इस फैट से जो इसके हम्प के अंदर स्टोर किया हुआ रहता है होती रहती है। एंड जैक रैबिट्स एंड किट फॉक्स हैव लार्ज ईयर्स एंड दैट रिड्यूस द नीड ऑफ वाटर इवेपोरेशन टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। देखिए कैमिल्स और जो और दूसरे जो डेजर्ट एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल कैमिल्स, इनके अंदर क्या होता है, इनके जो आईज हैं, आई लैशेस हैं, नॉस्ट्रिल के जो हेयर्स हैं वो काफी लंबे होते हैं, जो कि जो डस्ट स्टॉर्म्स जो इस एरिया के अंदर चलती है उनसे बचाने का कार्य किया जाता है इनके द्वारा। एंड जैक रैबिट एंड किट फॉक्सेस, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, लार्ज ईयर्स पाए जाते हैं बच्चों, जो कि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए जो वाटर इवोपरेशन की नीड होती है उसको रिड्यूस करते हैं, वाटर इवोपरेशन को रिड्यूस करते हैं ये लार्ज ईयर्स, जिसकी वजह से क्या होता है बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रहता है। ओके, एंड देयर ईयर्स रिलीज हीट ड्यूरिंग देयर रेस्टिंग पीरियड इन कूल शेडी प्लेसेस। इनके जो ईयर्स होते हैं जैक रैबिट्स एंड किट फॉक्स के, जब शेडी प्लेस और कूल एरिया जहाँ पे होते हैं रेस्टिंग पीरियड के दौरान इनके द्वारा क्या होता है, हीट रिलीज की जाती है जिसके द्वारा बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है। ओके, इस प्रकार ये गर्मी से बच जाते हैं। एंड सैंड रैट की बात करें तो सैंड जो रैट होते हैं, सैंड रैट वो क्या करते हैं, फीड्स ऑन प्लांट दैट हैव अ वेरी साल्टी सैप, इनके अंदर जो है बहुत साल्टी सैप पाया जाता है, विच कैन बी टॉक्सिक इन लार्ज क्वांटिटीज। दस रैट सिंपली रिटेन द वाटर एंड एक्सक्रीट यूरिन दैट इज अबाउट 4 टाइम्स एज साल्टी एज सी वाटर। जो सैंड रैट्स होते हैं वो बहुत ही साल्टी सैप वाले जो प्लांट्स होते हैं उन पर फीड करते हैं, जिसकी वजह से ये अपने बॉडी के अंदर वाटर
को जो है वो रिटेन करके रखते हैं एंड यूरिन जो है वो बहुत साल्टी यूरिन इनके द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है। डेजर्ट बर्ड्स की बात करें तो द डेजर्ट बर्ड्स यूटिलाइज ए साल्ट ग्लैंड टू हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। इनके अंदर साल्ट ग्लैंड्स पाई जाती है जिसके द्वारा ये वाटर बैलेंस को मेंटेन करने का कार्य करती हैं एंड दे ओकेजनली ड्रिंक वाटर फ्रॉम ड्यू और अदर सोर्सेज। जो डेजर्ट एनवायरनमेंट के अंदर कभी कभी जो ड्यूज होती है उसकी बूंदे होती है उन पर ये वाटर बर्ड ये डेजर्ट बर्ड जो है वो सर्वाइव करती है। अब हम बात करेंगे तो ये वाटर को किस प्रकार से लॉस करके रखते हैं। लेकिन देखिए अभी हमने सैंड की बात करी थी, बालू रेत पाई जाती है, लाइट टेक्सचर की रेत पाई जाती है। ऐसी रेत जो होती है वो सोलर रेडिएशन, क्योंकि बहुत अधिक तीव्रता वाली सोलर रेडिएशन होती है इसलिए बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तो ऐसी सैंडी एरियाज के अंदर अपने आप को उस सैंड के जो है वो प्रभाव से बचाने के लिए क्या क्या अनुकूलताएं होती है वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर द कैंगरू रैट एंड जरगुआ हैव लॉन्ग लेग्स पाए जाते हैं इनके अंदर विच हेल्प देम इन जंपिंग एंड स्विफ्ट रनिंग एज वेल एज इन लिफ्टिंग द बॉडी अबव द ग्राउंड एंड दस रिड्यूसिंग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द हॉट सैंड। ओके, क्योंकि रेत बहुत गर्म होती है तो कैंगरू रैट जरगुआ इनके अंदर लंबे जो है पैर लंबे पैर पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये तेजी से जो है वो ऊंची छलांग लगा सकते हैं, तेजी से जो है वो दौड़ सकते हैं और अपने बॉडी को जो है हॉट सैंड से जो है वो जो थोड़ा ऊंचा रखते हैं जिसकी वजह से डायरेक्ट कांटेक्ट में उस हॉट सैंड के नहीं आते। और इसी प्रकार जो कैमल होता है बच्चों उनके जो लेग्स होते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है उनके उनके ऊपर एक गद्दीदार सरफेस पाया जाता है उनके जो फिट फुट होता है उसके नीचे जो कि उनको इस हॉट सैंडी जो सैंड होती है उससे बचाने का कार्य किया जाता है। ओके, डेजर्ट जो गर्बिल्स हैं हैव हेयरी सोल्स ऑन देयर फीट व्हिच अलाउ देम एक्सीलेंट ट्रैक्शन ऑन सैंड। तो ये कुछ अडेप्टेशंस हैं डेजर्ट एनिमल्स के अंदर जो कि उनको उस पर्टिकुलर आवास में रहने के लिए योग्य बनाते हैं। ओके, तो ये आज हमने डेजर्ट अडेप्टेशन कंप्लीट किया है।